दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज में बहुत बड़े बड़े जीवों जैसे कि एनाकोंडा आदि को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप कितने फीट का है और अब ये कहाँ पाया जाता है? कि आपने कभी सोचा है कि एक इंच छोटी दिखने वाली मकड़ी 6 फीट बड़ी भी हो सकती है? और ये इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? अब इतने बड़े जीव किसी छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो फिर ये सब इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीव आखिर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, ये सब पृथ्वी का हार्ट कहे जाने वाले विशाल का जंगल अमेज़न जंगल में पाई जाती हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो ऐसे ही ढेर सारी मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। ये जंगल इतना बड़ा है कि अकेले 9 देशों में फैला हुआ है और इसी अमेज़न जंगल में ही सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी मौजूद है। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे पूरी दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। अमेज़न जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसे पूरा जान और समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये जंगल कितना खतरनाक और रहस्यमयी होगा। नंबर 1, सबसे पहले अमेज़न जंगल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं, जैसे कि एनाकोंडा कोबरा और कई अलग अलग। साथ ही साथ यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप टिटनुबा भी मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले धरती का था। नंबर 2, पानी में तैरने वाली छिपकली। अमेज़न जंगल में ऐसी अजीब छिपकली पाई जाती है जो पानी में तैरती नहीं बल्कि पानी पर दौड़ती है। इस छिपकली को जीसस लिजार्ड कहा जाता है। ये छिपकली शिकारियों से बचने के लिए अपने 2 पैरों पर कुछ इस तरह से पानी के ऊपर भागती है जैसे कोई साइकिल चला रही हो। इसके पैरों में कुछ विशेष प्रकार की जाल होती हैं, जिससे ये आसानी से पानी के ऊपर भाग सकती हैं। नंबर 3, खौलते पानी की नदी। अमेज़न जंगल में एक बहने वाली बॉइलिंग रिवर है। ये रिवर उबलते हुए पानी की नदी है, क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये नदी अमेज़न जंगल की ही तरह बेहद खतरनाक है, जो अमेज़न जंगल के बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। ये तो हमने जान लिया कि इसी जंगल में ही सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी मौजूद है। और अगर इसके शुरुआती बिंदु की बात करें तो विकिपीडिया के अनुसार पेरू देश के रियो मंटारो को माना जाता है। नंबर 4, ट्रांसपेरेंट मेंढक। अमेज़न जंगल में कुछ विचित्र मेंढक भी पाए जाते हैं जो इतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप उनके शरीर के आर पार भी देख सकते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर ये मेंढक अपने आप को बचाने के लिए अपने आस पास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग भी बदल लेते हैं, जिससे ये आसानी से दिखाई न दें। इनकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से आप इनके दिल को भी धड़कते साफ तौर पर देख सकते हैं और इसके शरीर के बाकी अंदरूनी हिस्से भी हम आसानी से देख सकते हैं। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। अमेज़न जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी पाया जाता है, जिसे रफलेसिया और नॉल्दी कहा जाता है। ये फूल एक आम इंसान के जितना बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 7 किलो होता है। इस फूल से खुशबू नहीं आती बल्कि ये बदबू मारता है, कुछ सड़े हुए मांस जैसी बदबू। इसे पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, लेकिन पैदा होकर ये फूल मात्र 6 से 7 दिन तक जीता है। इसके बाद ये बिल्कुल काला पड़कर खत्म हो जाता है। नंबर 6, बुलेट चींटी। अमेज़न जंगल में एक ऐसी चींटी भी है जिसके काटने से आपको ऐसा दर्द होगा मानो आपको गोली ही लग गई हो। इसे बुलेट एंट भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है और ये चींटी एक बुलेट की साइज जितनी बड़ी होती है। अगर इसने आपको काट लिया तो 24 घंटे तक आपको ऐसा दर्द होता रहेगा जैसे किसी ने आप पर बंदूक की गोली चलाई हो। नंबर 7, वॉकिंग ट्री। अमेज़न के अंदर की सबसे खास बात यह है कि इस जंगल में अधिकतर अंधेरा ही रहता है, क्योंकि सूरज का प्रकाश यहाँ तक पूरा पहुँच नहीं पाता। इस वजह से ये जंगल और भी खौफनाक बन जाता है। अगर बात करें अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमय पेड़ों के बारे में, वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौधों की लाखों करोड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ अत्यंत जहरीले। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो वॉकिंग ट्री के नाम से मशहूर हैं। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं। और ये हम नहीं बल्कि अमेज़न जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं।
लेकिन यह हॉलीवुड की किसी मूवी जैसे नहीं चलती, बल्कि इसके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता यह है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती हैं और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती रहती हैं। इस वजह से पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। अमेज़न जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं। ये प्रक्रिया एक या दो दिन में नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री कहा जाता है। नंबर 8, एलियंस देखने का दावा। अमेज़न जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कुछ एलियंस भी मौजूद हैं, क्योंकि इंसान की पहुंच इस जंगल में काफी कम है, इसलिए एलियंस के छुपने के लिए ये एक अच्छा अड्डा है। ब्राजील के एक शहर में 2 ब्रिटिश टूरिस्ट घूमने आए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची थी, लेकिन एक फोटो में इस अमेज़न जंगल में कुछ अजीब प्राणी भी दिखाई दे रहे थे और ये फोटोज दुनिया भर में वायरल हो गई थी और लोगों को ये विश्वास हो गया था कि अमेज़न जंगल में एलियंस ही मौजूद हैं। नंबर 9, दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियाँ। हमने अक्सर इन्हें अपने आसपास तो देखा होगा और साइज में कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन अमेज़न जंगल में छोटी मकड़ी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी भी पाई जाती है। इसे गोलियत बर्ड ईटर के नाम से जाना जाता है, जो कि पक्षियों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं डरती। ये मकड़ी साइज में 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। आपने स्टोनहेंज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अमेज़न जंगल में एक ऐसी मकड़ी है जो अपने जाल से स्टोनहेंज जैसे स्ट्रक्चर बनाती दिख जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस मकड़ी ने अपने जाल से एक स्टोनहेंज जैसे स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को सिल्कहेंज कहा जाता है। अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर इस तरह की डिजाइन ये क्यों बनाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मकड़ी अपने अंडों को बचाने के लिए ऐसा करती है। दोस्तों, अमेज़न जंगल काफी ज्यादा रहस्यमयी है, जहाँ काफी सारी जीव प्रजातियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम इंसान अभी भी इस जंगल को पूरा नहीं जान पाए हैं। और दुख की बात यह है कि इस जंगल को दिन प्रतिदिन खत्म भी किया जा रहा है। अमेज़न जंगल में पेड़ों की कटाई से ये जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अगर इस जंगल में अवैध पेड़ों की कटाई को रोका नहीं गया तो अगले 40 सालों में अमेज़न जंगल पूरा खत्म हो सकता है और इसका असर हमारी धरती पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जंगल धरती के फेफड़ों के बराबर है और अकेले 20% का ऑक्सीजन पैदा करता है। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।